क्या किया? नहीं, क्या किया ये? अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार गाइस, हुकूमत गिरने वाली है। ये बंदे की हुकूमत थी और इसने एक और नुकसान करवा दिया है, जो कि है हमारा। हुकूमत किसकी है, किसकी चल रही है हुकूमत यार? हमारे पूरे सेटअप की हुकूमत चल रही है ये बंदे की, ठीक है? इसने, इसको वोट ज़्यादा डले थे तो इसलिए इसने हुकूमत ले ली। अब इससे सारी आवाम इस्तीफा चाहती है। इसने क्या किया, क्या है इसने किया, क्या है इसने हमारा मोगली, वो जो बड़ा मुर्गा था देसी, वो घुमा दिया। किस तरह घुमाया यार? उनको क्या पता कौन था यार, ये इधर नजर आ रहा है आपको। ये हमारा मुर्गा, मैं तो नहीं हूँ। अरे घुमा दिया यार इसने। यार ये आपको वैसे पता होना चाहिए। हुकूमत किसकी है ये बताओ। इस खुडे में आपने, इस पिंजरे में रखा हुआ है, आपको पता है रोजाना वो निकल जाता है। और आपको ये भी पता है कि हम सुबह नहीं जाते, हम शाम को जाते हैं, दोपहर को जाते हैं। सुबह भी आता हूँ। आए आप दोपहर को भी आते हैं। आज आप आए, आज खत्म हुई है। आज मैं पहले दिन का स्कूल गया हूँ, आज खत्म हुई है पहले। यहाँ से झूठ स्टार्ट हो गया, आज इसकी छुट्टियाँ खत्म हुई नहीं है। फिलहाल मैं क्या आज ना, मेरी चोट लगी थी, मैं नहीं था जा रहा। तो आज जैसे मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं, आप ये लगा लें, आज मैं फ़र्स्ट टाइम गया हूँ, फर्स्ट डे गया हूँ आज। तो आज मैं जैसे ही आया तो घर वालों ने कहा कि यार ऊपर मुर्गी खुली है। मैं एकदम से आया तो मैंने देखा कि साथ में मोगली नहीं है। तो इसकी बीवी दिखाओ ज़रा, किसकी बीवी है? और इसकी, इसका मियाँ, इसका मियाँ, इस औरत का मियाँ। अब उसके ऊपर मुझे इतना के तरस आ रहा ना, इतना के तरस आ रहा है बेचारी के ऊपर। मेरा दिल कर रहा है अभी उसके साथ रख, चूजों के साथ जो बड़े हो रहे हैं, उनको अभी भी 2 मंथ है। ये बंदा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है इस बात का कि मेरी गलती है। गाइस आप मुझे खुद बताएं, एक बंदा सुबह जब उसकी छुट्टियां थी वो सुबह 9 बजे आता था, कभी कभी मैं आता था 8 बजे। और मैं नहीं आता था। तुम 8 बजे सुबह कब आए मुझे बता दो। यार मैं भी आता था, इसको नहीं पता है, ये एवी एवी गा रहा है। मैं भी आता था लेकिन आज मैं नहीं आया। और हम आजकल नहीं आ रहे थे क्योंकि हमें, हम आ रहे थे दोपहर को, दोपहर को इनको डालने आ रहे थे 12 बजे 2 बजे। मैंने कहा ये आएगा तो इसके साथ ही मैं ऊपर चला जाऊँगा। गाइस अब बोला अजानों का टाइम बहुत ज़्यादा शाम हो चुका है, तो अब मैं ना, ये शाम को होगा, शाम को कह, सुबह इंशाल्लाह नेक्स्ट डे होगा। गाइस आपको जैसे कि पता है हमारा यार मौलवी घूम गया कल, इस शख्स ने घुमाया इसने। गाइस इसी का हाथ है बीच में, इसी की हुकूमत चल रही है। आप गाइस मुझे, आप मुझे खुद बताएं यार मेरी क्या गलती है। मैं गया था स्कूल और आया हूँ मैं 2 बजे, तो आके पता लगा है कि यार हमारा देसी मुर्गा यानी कि मौलवी हमारे सेटअप पर नहीं है। तो गाइस लेकिन रात को क्या हुआ यार, हमारा एक सब्सक्राइबर आया और वो कहता है यार मैंने भी किया था, मैं दे गया ऐसा। यार अब उसका दीन मान है, उसका वो है, वो क्या कहते हैं, दीन मान है। उसका मतलब वो हिसाब होना है, वो उसका है, वो उसकी सिरदर्द है हमारा। वो कह रहा था मेरे पास, मैं रखा, मैंने ही था 8 बजे सुबह, 8 बजे मैंने ही रखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था किसका है। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि आपका है, मैं फिर घर पर नहीं था जब हम ढूंढ रहे थे 1 बजे, 8 बजे को हम 1 बजे ढूंढ रहे थे, और उसके बाद वो रात को हमें देख गया। और वो कह रहा था जब आप लोग ढूंढ रहे थे तब मुझे, मैं घर पे नहीं था, और ऊपर ताला लगा था, हमारे घर वालों को पता नहीं है कि मैंने मुर्गा रखा हुआ। हमने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, यही बात है। हाँ। हमने कहा यार मोदी गया, लेकिन ये है हमारा मोगली साहब, इधर आ, मारेगा तो नहीं, मारे मोदी, मारे मारा ना, मैं तुझे अब खुद जिबा करा के आऊंगा, बात सुन ले यार। मुझे यार फिर क्यों निकला, आठवां निकला था, ये कितनी गलत बात है इसकी यार, इसका समझ नहीं लग रही, ऊपर से मुर्गी को छोड़ के भागता है। इसको वो पेपर वाइट के साथ रख दो, ताकि सुबह जिंदा ना हो भाई। पेपर यार वाइट। पेपर वाइट जिंदा ना हो, ये ना जिंदा। उ यार ये क्या है, उई लो, ये देखिए सारी बीबियों का समा आ रहा है, लेकिन यार एक दिन ये सेल हम कर देंगे। एक मुर्गा बस हम रखेंगे, वो इनमें से होगा कोई। तो यार आज का,
मोगली तो जाएगा नहीं, वो बुढ़ा हो गया है। हाँ वो बुढ़ा हो रहा है यार, इनमें से कोई होगा या ये वाला होगा या वो वाला होगा या ये वाला। मैं तो कहता हूँ ब्लैक वाला हो। किसका? हाँ बेचारे का यार कद भी नहीं निकला सही वाला। ओ भाई चुप कर जा, हर यार बात इसका वो होती है। कल भी इसने घुमाया अल्लाह ताला के, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने यार हमारा मोल भी वापस ला लिया। तू जा वो मेरी मादी के मेरी देखा देखा तू जानवर है ना। तो गाइस अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, पहला तो यार पहले पहले बहुत हम सैड हो गए थे, लेकिन हाँ लेकिन यार लेकिन अब बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब ये सबके साथ एडजस्ट हो गया है आहिस्ता आहिस्ता ना, हो रहा है ना। छह चूहे अब ये भी बड़े होंगे फिर मुर्गा बनेंगे। इनमें से यार दो भाई का फुल अग्रेसिव हुआ है। सो यार आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो क्या कहना, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर